अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू उमेरास किचन। और आज हम आपको मिक्स सब्ज़ी पकाना सिखाएंगे, जो कि एक बहुत ही हेल्दी और स्पेशल डिश है। तो आइए आपको सिखाते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक प्याज यानी कि अनियन ग्रेवी के लिए, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम, जो है ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, मगर आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन यानी के गार्लिक, हल्दी इस्तेमाल करें 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक यानी के सॉल्ट 1 टीस्पून या हसबे ज़ायका, 1.5 टीस्पून जो है चिली पाउडर इस्तेमाल करें यानी के 1.5 टीस्पून, आलू इस्तेमाल करेंगे हम 3 मीडियम साइज्ड, 1 गिलास पानी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे, 2 टोमेटोज इस्तेमाल कर रहे हैं, हरा धनिया यानी के कोरिएंडर, और मिक्स सब्जियां यूज़ करेंगे हम। फ्रोज़न रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, जैसे कि गाजरें, मटर, आलू, फलियाँ, शिमला मिर्च, और आप कोई भी अपनी पसंद की जो है सब्ज़ी वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां जो हैं अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप इस स्टेप में पहले काट लें और साइड पे रख लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं हाई हीट पे। 6 टेबलस्पून हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलिव ऑयल के, और साथ ही साथ जो हमारा प्याज है और लहसुन यानी कि गार्लिक वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब प्याज का ऐसा गोल्डन सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो उसमें हम 1 कप पानी जो है वो डाल देंगे, साथ ही साथ जो हमारे टोमेटोज थे और जो बाकी के स्पाइसेस, चिली पाउडर, नमक, हल्दी और गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको लो हीट पे कवर करके रख देंगे। और अगर जो ग्रेवी है उसमें पानी कम पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि जो है प्याज और जो लहसुन है वो अच्छी तरह गला नहीं, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। और फिर उसके बाद इसको हम कुछ देर भूनेंगे अच्छी तरह। जब आप देख सकते हैं अच्छी तरह जो पानी है वो इसमें से सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और अब जो हमारी सब्जियां हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और फिर कवर कर देंगे लो हीट पे ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो गल जाएं। और जब सब्जियां गल जाएं तो इसमें आप नमक चेक कर लें, उस हिसाब से फिर आप नमक और डाल लें अगर आपको ज़रूरत है। और फिर बहुत ही मज़ेदार मिक्स सब्जी तैयार। हमें उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ थम्स अप का बटन वो क्लिक करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।